हेलो गाइस गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम टेक में। गाइस आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस आज आपको मैं वीडियो में बताऊँगा आप अपने नाम की ना रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। गाइस अगर आप प्ले स्टोर पर देखो ना देखोगे तो आपको कितनी सारी ऐप जो है ना आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जो कोई भी ऐप का आप इस्तेमाल करके ना अपनी नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। लेकिन जो गाइस मैं आज आपको ऐप बताऊँगा ना, वो ऐप बहुत ज़बरदस्त ऐप है, वो बहुत ख़तरनाक ऐप है। गाइस उस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस ऐप में ना आप अपने नाम की रीजनल लैंग्वेज में भी रिंगटोन बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं ना थी तो आप उस ऐप से ना हिंदी में भी अपने नाम की रिंगटोन लगा सकती हैं। ये फ्रेंड गाइस ये जो ऐप है बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इस ऐप का प्लस पॉइंट भी यही है कि इस ऐप में ना आप अपनी हिंदी में भी अपने नाम की रिंगटोन लगा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इस ऐप का लिंक भी ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ले, या फिर आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके उस ऐप को इंस्टॉल कर ले, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। गाइस आज आपको मैं बस इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप अपने नाम की ना रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और हाथ में लगे बेल का आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करो। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर आपके पीसी पर आपके टैब पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ना ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ना मैं कुछ ना कुछ नए अपडेट देता रहता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। कोई क्वारी हो कुछ पूछना चाहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज आप कर सकते हैं। गाइस आज आपको फिर मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा आप अपने नोटिफिकेशन अपने नाम की ना आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं और उसे अपने फ़ोन में कैसे सेट करेंगे, ये सब आज आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना। ये जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ये अब आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर बताऊंगा। जो ऐप मैं आपको बताऊंगा ना उस ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस ये जो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना। आप चलती है मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर चलकर बताता हूँ कैसे आप अपने नाम की रिंगटोन जो है ना बना सकते हैं। जो कोई भी जो आपको फ़ोन करेगा जब आपके नाम की रिंगटोन सुनेगा ना वो चौंक जाएगा। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद ना अब आपने क्या करना, सबसे पहले अपने फ़ोन का नेट ऑन कर लेना। नेट ऑन करने के बाद आपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाएंगे, प्ले स्टोर में चले जाना। वैसे तो इस ऐप का लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, चाहे आप प्ले स्टोर में ऐप सर्च करके डाउनलोड कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना, सर्च बार के ऊपर आपने क्लिक करना, आपने यहाँ पर आपने एक चीज़ सर्च करनी, लिख कर माई नेम रिंगटोन मेकर। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट कर देना। माई नेम रिंगटोन मेकर लिख कर सर्च कर लेना। जैसे मैंने पहले बताया मैं आपको कितनी सारी ऐप जो ना मिल जाएगी, आपको जो भी ऐप आपको पसंद हो ना आप अपने हिसाब से कोई भी अपनी ऐप जो आपको पसंद है वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड करना नहीं करता। मेरे को जो ऐप पसंद है ना तो वो जे है, ये जो फिफ्थ नंबर वाली ना माई नेम रिंग टोन मेकर, ये मेरे को पसंद है। एक आप आइकन देख लें, इस ऐप का आइकन कुछ इस प्रकार का, ये ऐप मेरे को पसंद है इसलिए मैं आपको इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, ये ऐप बड़ी ख़तरनाक है। इस ऐप का फ़ायदा भी ये है कि इसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती
तो आप हिंदी में भी अपनी रिंगटोन जो है ना अपने नाम की लगा सकते हैं। वो कैसे लगाने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप पहली बार इस ऐप पर आएंगे ना, जहाँ पर आपको इंस्टॉल की ऑप्शन दिखाई देगी, आपने इंस्टॉल पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे ना, दो ऑप्शन आ जाएगी, ओपन और अनइंस्टॉल। नीचे आप इसका लास्ट अपडेट देख सकते हैं, लास्ट इसका अपडेट जो है वो 20 दिसंबर 2021 को आया था। ये कि आप डाउनलोड देख सकते हैं, 500 के प्लस इस ऐप के डाउनलोड हो चुके हैं। इसके आप स्क्रीन शॉट वगैरह देख सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा ऐप कैसे वर्क करती है। ऐप के आप डेवलपर का भी नाम देख सकते हैं, आई ऐप इंक इस ऐप के डेवलपर है। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, तो आपने इस ऐप को परमिशन दे देनी। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लें, वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें। थोड़ी वेट करनी पड़े तो आप वेट कर लेना, क्योंकि ये फ्री वाली ऐप है, इसमें आपको ऐड भी देखने को मिलेगी। आपने ऐड देख के काट देना, जो स्किप वीडियो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, जहाँ से आप काट देंगे ऐड को। जैसे ही आपको काटेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ परमिशन मांगेगा, आपने अलो कर देनी, फिर अलो कर देना। आपने अलो कर देंगे तो आपके सामने ऐप खुलकर आ जाएगी। ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई देगी, माई नेम रिंगटोन, रिंगटोन मेकर, क्रिएटेड रिंगटोन, सेटिंग। आपने जितनी भी रिंगटोन क्रिएट की होगी वो क्रिएटेड रिंगटोन में जाकर देख सकते हैं। रिंगटोन मेकर आप अपने हिसाब से रिंगटोन को काट भी सकते हैं, कटना चाहिए, सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो पहली ऑप्शन है माई नेम रिंगटोन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब आपको जहाँ पर क्या कौन सी सेटिंग करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, ये आपको ध्यान से देखना। फिर मैं कह रहा हूँ बिना स्किप किए देखेंगे, पूरा वीडियो को देखें तभी आपको समझ आ जाएगी। ये जो पहली ऑप्शन आ रही हाई ऐड प्रीफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें आपको कितनी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जब भी आपको कोई कॉल करेगा ना, आपका आप जो भी रिंगटोन सेट करेंगे उसमें हाय हेलो जो भी लगाएंगे, आपका कॉलर आपको हाय हेलो जो भी आपका नाम है वो आपको नाम से लेकर बुलाएगा। जैसे मैं हाय है ना, हे कर लेता हूँ, हेलो कर लेता हूँ, हेलो। जहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है एंटर योर नेम, जहाँ पर आप अपना नाम डालें। जैसे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ गौतम कुमार, ठीक है। अब नीचे ऐड प्रेफरेंस, प्लीज पिक अप आपकी फ़ोन। अब आपने जहाँ से अपने एक सेटिंग सेटअप करना है ऐड पोस्ट। जब भी आपको कोई फ़ोन करे, आपका कॉलर आपको क्या बुलाए, प्लीज पिक अप दी फ़ोन उठाएं, फ़ोन उठा लें, कॉलिंग प्लीज आंसर दी फ़ोन का आप जवाब दीजिए। आप कोई भी अपने हिसाब से ना, कोई भी जो पोस्ट फिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज आंसर दी फोन, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज आंसर दी फोन। इसमें कितने सारे ना ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी आपको कोई आपका दोस्त फोन करेगा ना, आपका कॉलर आपको वो ही बताएगा। जैसे अगर आपने लगाया योर फोन इज रिंगिंग, तो आपका कॉलर आपको बताएगा आपका फ़ोन रिंग हो रहा है, जल्दी कृपा करके जल्दी उठाए। कुछ इस प्रकार की ना आप अपनी रिंग टोन जो सेट कर सकते हैं। जैसे योर फोन इज रिंगिंग प्लीज आंसर दी फोन, मैं जे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी आप पोस्ट फी, कोई भी आप अपने हिसाब से मैसेज जो है मैसेज टोन आप सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज अपनी थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इसमें आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने नाम की रिंग टोन को हिंदी में भी आप लगा सकते हैं। ये जो है ना फ्रेंड, इस ऐप की सबसे अच्छी बात भी ये है, इस लैंग्वेज पर सेलेक्ट करें, इसमें आपको देखो कितनी सारी ऑप्शन मिल जाती है। इंग्लिश, हिंदी, जापनीज, कनेडियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जो आपकी आपको लैंग्वेज आती है वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरे को कोई फ़ोन करेगा ना, मेरा जो कॉलर है वो मेरे को हिंदी में नाम लेकर ही बुलाएगा। ये देखो, ये जो मैंने मैसेज सेट किए थे, मेरे को वो मैसेज भी मेरा ऑटोमेटिकली हाई हो गया।
हाय जो हिंदी में हो गया, आपको कोई फ़ोन करा जैसे मैंने पहले बताया, अब जब भी मेरे को फ़ोन कोई करेगा ना, मेरा कॉलर बताएगा हाय गौतम कुमार कोई आपको फ़ोन कर रहा है, कुछ इस प्रकार की ना रिंगटोन आपको दिखाई देगी। अब वॉइस में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलती है, मेल और फीमेल की। अगर आप मेल की आवाज़ चाहते मेल पर सेलेक्ट करें, अगर आप फीमेल की चाहते फीमेल पर रहने दें। वॉइस रिपीटेशन आप वॉइस रिपीटेशन भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, वन ट्वाइस थ्राइस जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। वॉइस वॉल्यूम आप अपने हिसाब से वॉइस की आवाज़ को कम ज़्यादा जहाँ से कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा मुझे इतनी ठीक है तो मैं इतनी ही रहने दूँगा। बैकग्राउंड म्यूजिक आप अगर चाहते हैं कि कॉलर के साथ साथ आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजे, म्यूजिक भी प्ले होने लगे, आप जहाँ से क्लिक करके अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा। अब जहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम को भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा जहाँ से कर सकते हैं। नीचे स्पीच रेट अपने हिसाब से, स्पीड पिच अपने हिसाब से, फ्रंट आप इसे कस्टमाइज कर लेना, मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। आप प्ले करके देखते हैं कि हमारा कॉलर कैसे बता रहा है, हमें जब कोई कॉल करता है तो हमारा कॉलर हमें कैसे कैसे रिंगटोन सुनाई देती है, हम वो चेक कर लेते हैं। प्ले पर आप क्लिक करें, हाय गौतम कुमार कोई आपको फ़ोन कर रहा है। मुझे फ्रेंड ये रिंगटोन मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रही कि नहीं दे रही, मुझे नहीं सुनाई दे रही क्योंकि मैंने ना माइक अटैच किया फ़ोन के साथ, इसलिए मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं माइक हटाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे सुनाई देने लग पड़ेगी। फिर प्ले पर क्लिक करता हूँ, एक बार फिर क्लिक पर क्लिक प्ले पर क्लिक करता हूँ। है ना, आप अपने हिसाब से इसकी जो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जब आप ये सारा काम कर लोगे ना, अब आप इसे अपने फ़ोन में कैसे लगाएंगे वो बता देता हूँ। ये जो साइड बार में आप ऑप्शन देख रहे हैं सेव की, सेव पर आप क्लिक करें, सेव पर क्लिक करेंगे थोड़ी वेट करें, आपकी ये जो रिंगटोन है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए फाइल सेव सक्सेसफुल लिखा गया, ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप जहाँ पर भी जिस फोल्डर में भी आपकी फाइल सेव हुई होगी ना, उस फोल्डर पर आप चले जाएं, उस फोल्डर पर इस रिंगटोन पर आप साइड बार पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ऑप्शन आ जाएगी सेट रिंगटोन की। ये देखिए सेट रिंगटोन हमारी बज चुकी है, ये देख सकते हैं है ना। तो आप जहाँ पर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलती है, सेट रिंगटोन, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के किसी अपने खास कॉन्टैक्ट के ऊपर रिंगटोन लगाना चाहते हैं, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन पर क्लिक करें। अगर आप अपने सारे पूरे के पूरे फ़ोन पर आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं, जो पहली ऑप्शन है सेट एज रिंगटोन, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही सेट एज पर रिंगटोन पर आप क्लिक कर देंगे ना, तो आपके फ़ोन पर ये रिंगटोन सेट हो जाएगी। जब भी आपको कोई फ़ोन करेगा ना, तो आपका कॉलर आपको यही रिंगटोन जो आपकी कॉलर रिंगटोन जो आपकी बजनी शुरू हो जाएगी, बस वो भी एक सेटिंग में। मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया पर नहीं फॉलो किया, सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ना ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में मैं कुछ ना कुछ नए अपडेट लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वारी हो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकती है, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको फ्रेंड इस ऐप की अच्छे से नहीं समझ आई, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ऐप कैसे वर्क करती है, अगर आपको वीडियो देख कर भी नहीं ना समझ आई, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो आपको मैं फिर वीडियो बनाकर आपको इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आई, अगर आपको नहीं पता कि कैसे रिंगटोन सेट करते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, तो आपको मैं अगली वीडियो में इस पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को भी बना दूंगा। मैं जल्दी ही फ्रेंड आपके लिए फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।